एवरीवन, मैं विकास द्विवेदी आप सभी का चंद्रा इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आज हमारी ये पहली क्लास है आपके साथ जो कि रेलवे के सिलेबस पे आधारित है। हम आज बात करेंगे एलसीएम और एससीएफ की, जिसको वेल डिफाइंड आपके सिलेबस में दिया गया है। एलसीएम और एससीएफ देने का मतलब है एलसीएम और एससीएफ से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको वहां पर देखा जा सकता है। तो आइए फिर ये क्लास हम शुरुआत करते हैं एलसीएम के साथ। आज की क्लास में मैं आपको एलसीएम बताऊंगा, अगर समय मिलेगा तो आपको एससीएफ भी बताऊंगा। तो आइए हम पूरी बात ध्यान से देखते हैं। एलसीएम का पहले हम मतलब समझ लेते हैं। एल का मतलब लीस्ट, सी का मतलब कॉमन और एम का मतलब है मल्टीपल, जिसे हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समाप वर्ग। छोटा सा मतलब है, इंग्लिश के इन तीन शब्दों में ही पूरा एलसीएम आप समझ सकते हैं। कहने का मतलब है दी गई संख्याओं का अगर मैं एलसीएम निकालता हूं तो मैं उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालता हूं। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉमन का मतलब जो दोनों में ही सार्व हो या दोनों में ही कॉमन हो, और मल्टीपल का मतलब है गुणज हो। मतलब दी गई संख्याओं का एलसीएम मुझे ये बताता है कि ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से विभाजित है। तो पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि एलसीएम का मतलब होता है न्यूनतम संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है, जैसे एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। मैं आपको अगर कहूं कि आप मुझे 3 और 5 का एलसीएम बताइए, तो मैं क्या कहूंगा, 3 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। 3 एक कम 3, 3 दुनी 6, 3 3 का 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, ऐसे 21 24 27 30, सो ऑन। 5 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो 5 10 15 20 25 30 35, सो ऑन। तो मैं आपसे अगर पूछता हूं कि 3 और 5 का आप एलसीएम मुझे बताओ, तो आप देखोगे 3 और 5 के पहाड़े में आप देखोगे पहली संख्या क्या कॉमन आ रही है, 15। यहां पर भी 15 है और यहां पर भी 15 है ना। फिर आप आगे देखोगे तो यहां पर भी 30 है और यहां पर भी 30 है। और इस बात को आप समझ सकते हो कि आगे इस तरह से अगर मैं क्रम को बढ़ाते जाऊं तो बहुत सी ऐसी संख्याएं हैं जो मुझे कॉमन मिलेंगी। लेकिन एलसीएम की परिभाषा कहती है कि छोटी से छोटी संख्या लेनी है मुझे, तो मैं छोटी से छोटी संख्या क्या है, 15। क्या 15 से छोटी ऐसी कोई भी संख्या है जो एक समय में 3 और 5 से विभाजित हो जाए? तो आप कहेंगे नहीं सर, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या क्या है, 15। तो 15 को मैं कह सकता हूं कि वह छोटी से छोटी संख्या 15 है जो दी गई संख्याओं 3 और 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो मैं कह सकता हूं कि 3 और 5 का जो लासा है, जो एलसीएम है, वो क्या है, 15। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो एलसीएम पे कई तरह के सवाल बनते हैं, लेकिन पहले हम एलसीएम को निकालना सीख लेते हैं कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। तो पहला तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि, मतलब प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर थ्योरम। ठीक है, जैसे कि मैं कहूं आपसे कि 12 और 16 का आप मुझे एलसीएम बताओ, तो पहले बहुत खूबसूरती से हम समझते हैं कि हम 12 और 16 का एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर कि अगर मैं कहूं कि 12 के आप गुणनखंड बताइए, तो बहुत से गुणनखंड है, मैं कहूं कि प्राइम गुणनखंड बताइए, मतलब अभाज्य गुणनखंड। कहने का मतलब है संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो आप 12 को लिख सकते हैं 2 दुनी 4 तिहाई 12। ये मैंने कैसे लिखा, तो 12 को आप अभाज्य संख्याओं से विभाजित करना शुरू करिए। सबसे छोटी संख्या क्या मिलेगी अभाज्य में, 2। तो मैं 2 से काटूंगा, 2 6 12, फिर 2 से काटूंगा, 2 तिहाई 6। अब 2 से नहीं कट रहा है तो मैं 3 से काटूंगा, 3 एक कम 3। अब आप देख रहे हैं यहां पर 1 आ गया है भागफल के रूप में। अब ये 1 से ही कटेगी और किसी संख्या से नहीं कट सकती है, तो यहां पे मैं विराम दे देता हूं।
कहने का मतलब है 12 के अंदर कितने अभाज्य गुणनखंड है, 1, 2, 3, 2 दुनी 4 तिहाई 12। तो मैंने 12 को लिख दिया 2 दुनी 4 तिहाई 12। तो किसी भी संख्या को जब आप इस रूप में लिखते हो, हम कहते हैं कि आपने संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया है। ऐसे ही 16 को लिख दिया 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16। आपने 12 और 16 को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिया। इसमें जो भी सार्व गुणनखंड है, दोनों में सार्व गुणनखंड, जो मैं हिंदी में कह रहा हूँ, इंग्लिश वालों को लग रहा होगा मैं क्या बकबक कर रहा हूँ। सार्व गुणनखंड का मतलब है कॉमन फैक्टर्स, जो दोनों में कॉमन है। यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है। आप देख रहे हैं इनके अलावा कुछ अन्य कॉमन नहीं है। तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये 2 कॉमन जो है उसको एक बार ही लिखूंगा, 2 और 2, है ना। ऐसा मैं क्यों करता हूँ, मैं देखता हूँ कि यहाँ पर 2 2 बार आया, यहाँ पर भी 2। इसका मतलब मुझे एक छोटी से छोटी संख्या लेनी रहती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो। अगर यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, इन दो का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 2। ये छोटी संख्या है 2, और 2 से ये वाला 2 भी विभाजित होगा, ये वाला 2 भी विभाजित होगा, इस 2 से ये वाला 2 विभाजित होगा, ये वाला भी 2 विभाजित होगा। जैसे कि 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो मेरी मजबूरी है कि मुझे 3 लेना होगा, क्योंकि 3 लूंगा तभी ये 3 कटेगा। अब इन 2 को, दोनों को लेना जरूरी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है, तो इन दोनों को ले लिया और फिर सबका गुणा कर लेंगे। तो आ गया 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16 तिहाई 48। मैं कह सकता हूँ कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मैंने 12 और 16 का एलसीएम बता दिया कितना, 48। एक तो ये, कभी आपसे एग्जाम में ये सवाल नहीं आएगा कि आप अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एलसीएम को बताओ, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, हमको किसी भी माध्यम से एक सही उत्तर को टिक करना है। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा तरीका क्या होता है, अगर मैं कहूं कि 12 और 16 का एलसीएम बताओ, तो दूसरा है भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा डिवीजन थ्योरम क्या है, ध्यान से देखिएगा, आप जानते हैं। अगर मैं कहूं कि भाई 12 और 16 का एलसीएम बताओ और आपको भाग विधि आती है, तो आप ऐसे डब्बे बना लेते हैं बचपन से, आप एक ऐसी संख्या से भाग दो जिससे 12 भी विभाजित है और 16 भी विभाजित है। बस सवाल इस बात का है कि वह संख्या छोटी से छोटी होना चाहिए, क्यों, अगर आप संख्या को 4 से विभाजित करोगे, 4 से 12 भी कट जाता है और 16 भी कट जाता है। तो 4 से अगर संख्या कट रही है तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या 2 से भी कट रही होगी, है ना। लेकिन जो संख्या 2 से कट रही है, इसकी गारंटी कि 2 से कट रही है, 2 से छोटी कोई भी संख्या नहीं जिससे वो ना कटे, मतलब जिससे वो कट जाए। तो मैं 2 से शुरुआत करता हूँ, 2 6 12 2 8 16। फिर मैंने 2 से काटा क्योंकि दोनों कट रही थी, 2 3 6 2 4 8। अब यहां पर 3 और 4 को काटने वाली कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। अब 3 केवल 3 से कटेगा, 4 केवल 4 से कटेगा। तो इस स्थिति में मैं इसका 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 गुणा कर सकता हूं, या अब मैं 3 से भाग ले जाऊंगा तो 3 से केवल 3 कटेगा, 3 1 3, 4 तो कटेगा नहीं, तो 4 को ऐसे ही लिख लेता हूं। फिर मैं 4 से काटूंगा 1, और 4 से केवल 4 कटेगा। तो आपने देखा कि जब यहां पर भागफल के रूप में 1 1 आ जाए, मतलब आगे कोई संख्या कट नहीं पाएगी, तो यहाँ पर जो भी आपके भाजक आए हुए हैं उन्हीं को, उनका गुणनफल ही एलसीएम होता है, मतलब 2 × 2 × 3 × 4। तो आपने कहा 2 दुनी 4 तिहाई 12 चौके 48, यहाँ पर एलसीएम आ गया आपका 48। तो ये तो थी विधियों के बारे में, है ना, ये आप जानते हैं, और कभी सवाल ऐसा नहीं आएगा कि इस विधि द्वारा आप एलसीएम बताओ। ध्यान देखेंगे, लेकिन हमें एग्जाम में किस तरह से निकालना है आप वो देखिए। अगर मैं कहूं आपसे 12 और 16 का आप एलसीएम मुझे बताओ, आप जल्दी कैसे निकालेंगे, आप ध्यान दें इस बात को। अगर मैं कहूं 12 और 16 का एलसीएम, तो आपको केवल परिभाषा याद होनी चाहिए, आप इस बात को जानते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। आप मुझे बताओ, आप मतलब यहां पर एलसीएम आएगा, ये एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए, मतलब 12 और 16 से ऊपर जो संख्या है वो कट जाए बस, और वो छोटी से छोटी संख्या हो, मतलब कोई भी उससे छोटी संख्या का दावा ना कर सके। तो ध्यान देंगे,
तो मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, मैंने 12 को कहा कि अपने असली रूप को दिखाओ, तो कहता है दो है मेरे अंदर, दो टो और एक तीन है, दो दुनी चार तिया 12, और 16 कहता है मेरे अंदर चार दो हैं। ये अगर आप मुझे एक बताइए कि अगर मैं अगर एक दो लिख दूं, एक दो है ना, तो आप यहां पर देख रहे हैं, या फिर चार तिहाई 12 और इधर 4×4 है ना। अगर मैं एक बार में 4 लिख दूं तो यहां से ये 4 भी इसको काट देगा, एक 4 भी इसको काट देगा, मतलब एक 4 न्यूनतम लेने पे यहां के दोनों 4 कट गए। अब यहां पर 4 बचा, यहां पर 3 बचा, इसका मतलब मेरी मजबूरी है कि एक 4 लूंगा तभी ये 4 कटेगा और एक 3 लूंगा तभी ये 3 कटेगा, है ना। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई तो आप ध्यान देखेंगे, 2×4 = 12 था और 2×4×8×16 था। अगर मैं 1×2 यहां पे ले लूं तो 1×2 को यहां से काट देगा, 1×2 यहां से कट जाएगा, मतलब 1×2 लेने पर दोनों तरफ के 2×2 कट गए। फिर 1×2 लूंगा तो यहां से ये 2 कट जाएगा, यहां से ये 2 कट जाएगा, इसका मतलब 2×2 लेने पर दो तरफ के 2×2 कट गए। अब आप देख रहे हैं कि अगर मैं 1×2 लूंगा तो इधर तो है ही नहीं 2, इधर का ही 2 काट पाएगा, 1 बचा है। फिर मैं 2 ले लूंगा तो ये 2 कटेगा, फिर 3 बचा, मैं 3 ले लूंगा तो ये 3 कट जाएगा। इसका मतलब न्यूनतम संख्या यही बचेगी जो दी गई संख्याओं से विभाजित होगा, 2×4×8×16 = 48। ठीक, आपको एग्जाम के पर्पज से कैसे करना है आप ध्यान देंगे, हो सकता है शुरू में ये चीज आपको समझ में ना आए, लेकिन धीरे 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 आप इस बात को समझ पाएंगे। 12 का मतलब है 4×12 और 16 का मतलब है 4×4। अगर आप 1×4 यहां पर एलसीएम के रूप में ले लेते हैं, मैं ये मान लेता हूं कि 12 और 16 का एलसीएम 4 है, तो आप देखोगे इस 4 को केवल ये वाला 4 काट पा रहा है और ये 4 काट पा रहा है, एलसीएम तो है नहीं क्योंकि अभी 3 और 4 ही बचे हैं। अब मुझे एक और 4 लेना पड़ेगा ताकि ये भी कट जाए, अभी भी आपने देखा यहां 3 बच गया है, तो एक 3 और लेना पड़ेगा ताकि ये कट जाए, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 4×16 = 48। मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल सिखाता हूं, जैसे मैं कहूं कि 12, 15 और 20 का एलसीएम बताओ, तो आप देखोगे 12 के पास क्या क्या है, तो आप कहोगे 4×3, 15 के पास क्या है 5×3, 20 के पास क्या है, तो आप कहोगे 5×4। ये है इनके असली रूप। अब मैं देखूंगा कि अगर यहां पर मैं 5 ले लूं, है ना, अगर मैं 5 ले लूं तो ये 5 यहां से इसको काट देगा, यहां से काट देगा, ले सकता हूं। अब अगर मैं एक 4 ले लूं तो एक 4 इसको काट देगा और इसको काट देगा, अब यहां पे 2×3 बचे हैं और एक 3 ले लूं तो ये 3 कट जाएगा और ये 3 कट जाएगा, तो एलसीएम क्या देगा, 5×20 = 60, है ना। चलिए, मुझे उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, अगर थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा। एक तरफ से और एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे मैं ले लूं कि 20, 30, 40 और 50, इसका आप एलसीएम बताओ, तो आप देखोगे कि भाई 10×2 = 20 है, 10×3 = 30 है, 10×4 = 40 है और 10×5 = 50 है। इसका मतलब अगर मैं मान लूं कि 20, 30, 40, 50 का एलसीएम 10 है, सबसे छोटी संख्या 10 है, तो आप देखोगे जब इसको बटे में इसको करोगे तो ये 10 काट पाएगा, केवल ये 10 काट पाएगा, ये 10 काट पाएगा, ये 10, इसका मतलब चारों में 10 कॉमन था, 10 से कट जाएगा। अब अगर मैं एक 4 ले लूं, है ना, तो 4 से 4 कट जाएगा और 4×2 भी काट पाएगा। अब अगर यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर एक 5 है और यहां पर 3 है, तो मेरी मजबूरी है कि मैं एक 5 दूं ताकि इस 5 को काटूं और एक 3 भी दूं, तो 5×20 20×60 और 0×6। ठीक, तो मैंने देखा कि यहां पर एलसीएम कितना बन गया, 600। ठीक, अलग अलग सोच है, तो इस तरह से हम एलसीएम निकालेंगे। ध्यान देंगे आप, एलसीएम में कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं आपको बताता हूं। टाइप नंबर वन, वह छोटी संख्या
जिसे जब एक्स वाई जेड से भाग दिया जाता है से भाग देने पर वह छोटी से छोटी संख्या जो जेड से पूर्णतः विभाजित है। पहला तो यही क्वेश्चन है। आपको मैंने अभी बताया कि अगर बात छोटी से छोटी संख्या की है, मतलब न्यूनतम संख्या की है, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभाजित है, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका जो उत्तर होगा वो हम लिख सकते हैं कि एक्स वाई जेड का लासा का एलसीएम, यही इसका उत्तर होगा, है ना। आप देख रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभाजित है वो क्या होगा? एक्स वाई जेड का एलसीएम। एक्स वाई जेड का जो भी एलसीएम होगा वो एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभाजित होगा। टाइप नंबर दो की बात करते हैं। टाइप नंबर दो, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे जब x, y, z से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल समान प्राप्त होता है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे जब x, y, z से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में शेषफल समान प्राप्त होता है, और शेषफल समान को हम लिख देते हैं R, ठीक है, इस बात का ध्यान रखने का। तो यहां पर जो उत्तर हमें प्राप्त होगा, ये उत्तर अभी आप लिख दीजिए, मैं आपको रीजन के साथ समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो वहां पर क्या होगा? एक्स वाई जेड का लासा एलसीएम प्लस आपका जो शेषफल आया है, ठीक है, ये क्वेश्चन के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। अगर वह छोटी से छोटी संख्या जिसे जब एक्स वाई जेड से विभाजित किया जा रहा है और प्रत्येक दशा में एक समान शेषफल प्राप्त हो रहा है, तो उसका उत्तर होगा एक्स वाई जेड का एलसीएम प्लस आर, ठीक। तीसरा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे एक्स वाई जेड से भाग देने पर क्रमशः ए, बी और सी शेषफल प्राप्त होता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसे एक्स वाई जेड से भाग देने पर क्रमशः ए बी सी शेषफल प्राप्त होता है, इसका मतलब वो संख्या को जब मैं एक्स से विभाजित करता हूं तो शेषफल मुझे ए प्राप्त होता है, जब मैं वाई से भाग देता हूं तो बी शेषफल प्राप्त होता है, और जब मैं जेड से भाग देता हूं तो शेषफल सी प्राप्त होता है, ठीक। तो इसका उत्तर होगा कि एक्स वाई जेड का एलसीएम और माइनस नियतांक के इंग्लिश वाले देखें कांस्टेंट। अब सवाल यहां पर आता है कि कांस्टेंट क्या है, ये नियतांक क्या है, जो कि सवाल में दिया नहीं गया है और मैंने अपने से लिख दिया। तो ध्यान देंगे कि जहां नियतांक या कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट है एक्स माइनस ए बराबर वाई माइनस बी बराबर जेड माइनस सी, ये है कांस्टेंट,
ये कांस्टेंट क्या है, जो आपका भाजक है एक्स और दिया गया शेषफल, इनके जो बीच का अंतर होगा वो समान होगा। यहाँ पर भाजक वाई है और जब इस भाजक से भाग दिया जा रहा था तो शेषफल बी आ रहा था, इसका अंतर समान होगा, और जब जेड से भाग दिया जा रहा था शेषफल सी आ रहा था, तो इनका अंतर भी वही होगा जो आगे अंतर के समान आएगा। तो इसका मतलब जो x माइनस ए का अंतर होगा वही y माइनस बी का अंतर होगा और वही z माइनस सी का अंतर होगा। जब इस चीज को हम सवाल के रूप में देखेंगे तो हम समझेंगे कि आप किस तरह के प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये तीन तरह के क्वेश्चंस आपके LCM पे बनेंगे, है ना। तो इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चंस आपको कराता हूँ। क्वेश्चंस करके ही हम समझ पाएंगे कि आप या मैं किस तरह के सवालों की बात कर रहा हूँ।